हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टेलीवुड अपडेट्स। तो गाइज, ये रिश्ता क्या कहलाता है का जो जनरेशन लीप के बाद वाली कहानी है वो बस स्टार्ट ही होने जा रही है। मेकर्स अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं कि इस लीप से पहले ही जो करंट वाली कहानी अभिमन्यु अक्षरा की चल रही है उसी में वो इतने ज़्यादा शॉकिंग ट्विस्ट लेकर आए हैं कि यहाँ पर TRP में जो है बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिले, TRP फिर से 2K mark तक जा पाए। तो गाइज, अब एक और बहुत बड़ा ट्विस्ट मेकर्स ने जो प्लान करा हुआ है, आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। सब लोग मुझे यही पूछ रहे थे कि आप जो जनरेशन लीप के बाद वाली कास्ट के अपडेट्स वगैरह दे रहे हो, स्टोरी के जो अपडेट्स वगैरह दे रहे हो, उसमें आरोही का करेक्टर कहाँ है? करिश्मा सावंत जिस करेक्टर को इस वाली जनरेशन थर्ड में प्ले करती आई हैं, क्या वो चौथी जनरेशन का पार्ट रहेंगी, क्या हिस्सा रहेंगी या फिर नहीं? तो गाइज, अब उसका जवाब मैं आपको दे दूँ कि करिश्मा सावंत एक्ट्रेस इस शो के चौथी जनरेशन का पार्ट नहीं रहने वाली, और ये जो कैरेक्टर भी है इनका आरोही का, ये पार्ट नहीं रहने वाली नई लीप के बाद वाली स्टोरी का। तो गाइज, आरोही के करेक्टर को मार दिया जाने वाला है, यानी कि लीप के आने से पहले ही आरोही के करेक्टर को खत्म कर दिया जाएगा, इनके करेक्टर को मार दिया जाएगा। किस तरह से फिनिश होगा इनके करेक्टर, रैप अप कैसे होगा, यानी कि मौत किस तरह से होगी, वो तो अभी के लिए नोन नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में आपको आरोही की डेथ देखने को मिलेगी, जिसके बाद मेकर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऑडियंस जो है वो सीरियल में एकदम से इंटरेस्टेड हो जाए और सीरियल की TRP एकदम से इंप्रूवमेंट देखने को मिले। तो इतने शॉकिंग ट्विस्ट वगैरह एक के बाद एक लेकर आई जा रहे हैं अनुपमा में भी, सीरियल में भी, बिकॉज वर्ल्ड कप के चलते हुए डेस्परेट हैं हाई TRP के लिए। तो अभी के लिए एक दो दिन में ही लास्ट जो सीक्वेंस होगा आरोही की डेथ का, जो सीन होगा, उसको शूट कर लिया जाएगा, मे बी आज मे बी कल, बस इसका शूट होने ही वाला है, और उसके बाद TV पे एयर कर दिया जाएगा ये एपिसोड, जिसमें बहुत सारा शॉकिंग ट्विस्ट वगैरह मेकर्स की तरफ से फैंस के लिए किया हुआ है उन्होंने प्रिपेयर। तो गाइज, आरोही के करेक्टर की जो मौत हो जाने वाली है, इस पे आपकी क्या राय है? आप इसके साथ सेटिस्फाइड हैं या फिर नहीं, या फिर आपको लगता है कि मेकर सिर्फ TRP के लिए ये चीज़ कर रहे हैं? तो ये है उसका जवाब कि आरोही जनरेशन लीव में इस करके नहीं होगी बिकॉज पहले इसके करेक्टर को मार दिया जाएगा, और ये जब मरेगी सारे फैमिली मेम्बर्स बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाएंगे, शॉक हो जाएंगे और उदासी छा जाएगी, ऑफकोर्स छाएगी, मंजरी वगैरह सब, हर कोई बहुत डिवास्टेटेड हो जाएगा इस खबर सुनने के बाद। तो जैसे ही पता चलता है कि इसकी डेथ किस कारण से होगी, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। और गाइज, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि लीव के बाद वाली कौन कौन कास्ट में मेन एक्टर्स होने जा रहे हैं, उसका वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आपने अब तक नहीं देखा जाकर देख लीजिए। और ऑल्सो लीप के बाद की स्टोरी कैसी रहेगी उस पर भी एक वीडियो बनाया हुआ है, दोनों इंपॉर्टेंट वीडियोस लीप को लेकर आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, दोनों वीडियोस के लिंक्स। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि लीप के सराउंडिंग सारी अपडेट्स न्यूज आपको मिलती रहेगी हमारे चैनल पर, उसके लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि आप बिल्कुल भी कोई भी अपडेट इस सीरियल के रिवॉल्विंग मिस ना करें। आने वाले दिनों में भी जो भी इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स होंगी सारी आप तक ये शो के रिवॉल्विंग पहुंचती ही रहेंगी। तो गाइस, फिलहाल के वीडियो में इतना ही, डिस्कस करिए कमेंट सेक्शन में ये रिश्ता के जो लीप के बाद वाले अपडेट्स हैं आपको कैसे लग रहे हैं। और फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।